भाई अभी आपका भाई घूम रहा था कैरी फोर और नज़र आ गया भाई सैमसंग के इस डैशबोर्ड पे, और भाई यहाँ है सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा। भाई तो इस वीडियो भाई AI फीचर्स आप लोग जानते ही हो, अभी मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग किया था, इसको यहाँ पे प्ले कर दिया। गाइज इस पार्क के बीच में ये चीज़ गौर करें भाई, बिल्कुल अरबिक और ट्रेडिशनल स्टाइल में बिल्कुल इसको बनाया गया भाई। गाइज अभी अपने फ्लैट के छत पे आ चुका भाई ऑन टॉप पे, और ये पूरा ऊपर से मतलब तुकबा खोबरी में है भाई, वहाँ पे पास में आपको दिखाई दे रहा होगा, हाँ वो रहा जो अलखोबर का जो टावर होता है ना, बहुत फेमस टावर है। अभी वहाँ पे गए नहीं हम लोग, सी साइड पे, तो सी इधर है और ये पूरा एरिया है भाई। ये मस्जिद है यहाँ पे एक बहुत बड़ी, बाकी ये पूरा एरिया है, काफ़ी अच्छा एरिया। इधर आई थिंक दम्माम है, तो इधर जाओगे तो सीधे दम्माम मिलेगा, और ये पूरा एरिया है। बाकी इधर काम वगैरह चल रहा है भाई कुछ का, ट्रेन वगैरह का, तो ऑल सेट है। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक अनदर व्लॉग। भाई अभी व्यू लेने के लिए तो नीचे से ऊपर चल गया था, बट अब जो है ना भाई दिमाग वाला खराब है भाई, क्योंकि बहुत ही ऊंचा है। आराम से ओ क्या भाई तुम लोग क्या कर रहे हो? गाइस अभी टाइम हो चुका है भाई मगरिब की नमाज का, बिकॉज यहाँ पे तो भाई दोपहर में व्लॉग तो वैसे भी बन नहीं पाते हैं, इतनी तेज धूप रहती है। बट अभी शाम से स्टार्ट किया था, लेकिन अभी मगरिब की टाइम हो गया, जाए नमाज पढ़ने, चलो थोड़ा सा मस्जिद देख लेना, इसके बाद कहीं अच्छी जगह निकलते हैं भाई घूमने के लिए। क्या गाइज अभी ब्रेक लेके भाई शाम हो चुका है, मतलब एकदम रात वाला, और अभी यहाँ लोग अल राशिद मॉल है भाई, यहाँ का सबसे फेमस मॉल है तो, और सबसे खूबसूरत और सबसे पुराना मॉल भी है। तो अभी चल रहे हैं लोग अंदर भाई, चलते हैं लोग और इसको मतलब देखते हैं कैसा है भाई अंदर से। क्या गाइज अभी ये सेंटर है बिल्कुल मॉल का, अल राशिद मॉल का भाई, और ये पूरा व्यू है कुछ, और ऐसे कुछ लुक है भाई अंदर से, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है भाई, सारे ब्रांड यहाँ पे लग रहा है मौजूद है भाई। अभी फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं लोग, तो फर्स्ट फ्लोर से कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ का फाउंटेन है ये वाला, और बाकी ये सब कुछ एम्बियंस है भाई, मस्त वैसे लग रहा है। और सारे ब्रांड भी इधर देख लो अगर हैं ही, ज़्यादातर ब्रांड भाई यहाँ पे परफ्यूम ऊद वगैरह के, कि अरबियन ऊद है ये भी बहुत फेमस है, और इधर भी काफ़ी सारे ऊद के परफ्यूम के ब्रांड सारे हैं। गाइज अभी जरीर में आए लोग भाई, यहाँ का जरीर बुक स्टोर काफ़ी फेमस है, तो एक मुझे पावर बैंक चाहिए था बेल्किन का, देखते हैं अगर कहीं मिलता है तो लेते हैं। गाइज ये एक बेल्किन का दिखाई दे रहा है भाई, ये करीब करीब 3700 रुपये का कह रहा है, तो इसको चेक करते हैं भाई, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। नो डाउट ये बेस्ट रहता है भाई अब आईफोन का, बट अगर देखा जाए तो काफ़ी अंतर है, आईफोन तो भाई 10,000 के आसपास में मिलता है, लेकिन हम लोग यही बेस्ट है, देखते हैं क्या करते हैं इसका, अगर समझ में आता है तो ले लेते हैं, डन करते हैं भाई। गाइज वैसे यहाँ पे एप्पल के हेडफोन वगैरह भी हैं, बट इसके रेट भाई काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो ये हम लोग का अफोर्डेबल नहीं है भाई। गाइज वैसे जरीर में आपको मैकबुक भी है भाई, M2 है, बट ये M2 256 GB वाला है, और देखने में काफ़ी स्लिम भी लग रहा है भाई, लेकिन इसका रेट जो है ना भाई वो इंडिया में अगर हम लोग ले लें तो शायद सस्ता पड़ जाए। और गाइज यहाँ पे नया वाला वेरिएंट भी आ गया भाई M3, हम लोग M2 सोच रहे थे, लेकिन बट अब नया वेरिएंट आ चुका है सऊदी में, क्या पता इंडिया में आया कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे M3 आ गया, लेकिन इसका जो रेट है भाई वो भी नेक्स्ट लेवल है, 7,499 रियाल का है, तो अब कैलकुलेट करके देख लेना भाई, लेकिन ये बेस्ट है नो डाउट, और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में भी। ये वाला तो उससे बड़ा है, मतलब ये 15 इंच है, बट ये 13 इंच है, बेस्ट है भाई, बेस्ट है, नेक्स्ट लेवल सीन है, बस इसको लेना पड़ेगा भाई। काफ़ी दिन से सोच रहा हूँ मैं लेने के लिए, बट क्या किया जाए यार, लाइक करो और वायरल करो भाई। गाइज अभी हम लोग जिस मॉल में है ना, अल राशिद मॉल, वो भाई बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, देख लो अभी हम लोग तो अंदर हैं, बट ये नेक्स्ट लेवल वाला सीन बनाया भाई यहाँ पे पूरा, मतलब वहाँ पे और सारी लाइटें वगैरह भी हैं, यहाँ पे देख लो भाई गाड़ी वगैरह सब चल रही है, नेक्स्ट लेवल सीन भाई। गाइज अभी अल राशिद के कैरी फोर जो है उसमें आ गए लोग भाई, यहाँ मतलब कैरी फोर तो आप दुबई में भी देख लोगे, हर जगह है, यहाँ भी है भाई, बेस्ट है, और देखते हैं क्या क्या भाई सामान यहाँ पे मिलता है। गाइज यहाँ पे अपना इंडिया वाला करेला है भाई, जो कि कुछ लोगों को बहुत कड़वा लगता है। गाइज यहाँ पे कोल्ड स्टोर पे आ गए लोग भाई, सभी चिकन वगैरह, बाकी यहाँ से तो हम लोग ले ही जा रहे हैं, हर जगह ले रहे हैं, हम लोग इस कंपनी का शायद एक्टिंग ले रहे हैं, एक इस कंपनी का और एक ये हम लोग ने ट्राई किया था, ये वाली कंपनी का हम लोग ने पूरा ये ट्राई किया था, और एक खाली चिकन खाली लेग आता है शायद ये वाला, ये दोनों ट्राई किया, नो डाउट ये बेस्ट है, दोनों ही अच्छा है। गाइज यहाँ पे एक मिला है कहवा भाई, अरबिक कॉफ़ी होता है, और डील है भाई, जाने के टाइम पक्का इसको लेके चलेंगे भाई, और वहाँ पे पियेंगे अपने इंडिया में कहवा। ओके भाई अभी आपका भाई घूम रहा था कैरी फोर और नज़र आ गया भाई सैमसंग के इस डैशबोर्ड पे, और भाई यहाँ है
सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा भाई, और वो भी भाई नेक्स्ट लेवल सीन वाला चीज़ आई। मैंने एक वीडियो यहाँ पे बनाया भाई, तो इस वीडियो भाई AI फीचर्स आप लोग जानते ही हो। अब ये मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग किया था, इसको यहाँ पे प्ले कर दिया। अब ये यहाँ पे भाई बस इस पर टच किया, ये चीज़ स्लो में चल रही है भाई, नेक्स्ट लेवल है भाई। अब ये चीज़ तो एप्पल को पीछे कर देगा भाई, देख लो स्लो में बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल चीज़। क्या कहते हो, खरीद ले लो गाइज। आपके भाई का तो मन आ चुका भाई S24 अल्ट्रा में, क्या कहते हो भाई? लाइक कर देना और कमेंट करो कि अगर ले लेते हैं लोग तो बोलो ले लेते हैं लोग फिर। वैसे गाइज अभी तो अल्ट्रा लेने का भाई बजट नहीं है, बट हम लोग का एग लेने का बजट है भाई, तो एग ले लेते हैं लोग भाई। दो ट्रे ले लिए, अभी निकलते हैं लोग भाई स्मॉल से, और अल्ट्रा के लिए लाइक कर दो गाइज। अभी डक पार्क है अलखोबर में सी व्यू के पास, अभी आगे है सी व्यू। और भाई यहाँ पर देख लो बिल्लियाँ बैठी हैं भाई, इनको कुछ नहीं करना, बस ऐसे करोगे तो ये भाई एकदम रिलैक्स आ जा, देख रहे हो? तो अभी तो बिल्लियाँ भाई यहाँ पे बहुत है, एक वो बैठा है वो, लेकिन वो नहीं देख रहा है इधर, ये है। अच्छा भाई इन लोग को भाई ऐसे करना नेक्स्ट लेवल गाइस। ये जो डक पार्क भाई, यहाँ देख लो वाइट फुल है, और यहाँ भाई अभी भाई यहाँ एक पिक्चर क्लिक की है, और इस पे तो और नेक्स्ट लेवल सीन आ रहा है भाई। तो रात का जो व्यू है सऊदी अरबिया में भाई, वो अलखोबर के लिए बेस्ट है। चले गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल सी के किनारे, मतलब समुद्र के किनारे भाई, वो फेमस टावर है। तो यहाँ से तो काफ़ी दूरी है, वहाँ पे जा भी नहीं सकते हैं लोग, तो वो फेमस टावर है भाई। और इधर भाई जो हल्की हल्की लाइटें अगर आपको दिखाई दे रही होगी, तो भाई ये बहरीन, तो यार बहरीन हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, बिकॉज पापा वहाँ रहते हैं, तो काफ़ी कम लोग को मालूम है बट पापा वहाँ रहते हैं। इंशाल्लाह आई होप कि यार, अब देख लो हम लोग यहाँ आके पता चलता है ना कि मतलब घर के जो गार्जियन हैं बड़े हैं भाई, वो लोग कहाँ से कहाँ आ करके और मतलब अपनी ड्यूटी करते हैं, अपने मतलब घर को चलाते हैं भाई, ये बहुत बड़ी बात है। बिकॉज मैं फ़्लाइट लिया नहीं था आज तक, और जब फ़्लाइट लिया तब मुझे महसूस हुआ। फिर अब देख लो यहाँ से समुंदर पार करके जाना है, आई थिंक 30 मिनट्स है, बट तब भी आप सोचो कि इंडिया से यहाँ आ करके और मतलब अपने घर के लिए आदमी यहाँ पर रहता है, बट हम लोग घूमने आए लोग। आई होप कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जुगाड़ बनेगा तो पापा से ही मिल लेते हैं, बिकॉज अभी वो ईद में भी ऐसा आई थिंक आएंगे ही। बट गाइस अब इतना मेहनत करना है ना यार, और इतना मतलब बस तुम लोग का साथ, और अल्लाह ताला का तो साथ हमेशा है, इंशाल्लाह रहेगा भी। और ये ऐसा दिन लाना है कि भाई यहाँ से घर पापा को बुलाना है, और उनको हर वो ख्वाहिश उनकी पूरी करनी है भाई, जैसे उन्होंने बचपन में हम लोग की ख्वाहिश पूरी की है, वैसा ख्वाहिश पूरा करना है भाई इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर भाई। गाइज इस पार्क के बीच में ये चीज़ गौर करें भाई, बिल्कुल अरबिक और ट्रेडिशनल स्टाइल में बिल्कुल इसको बनाया गया भाई, लालटेन वगैरह सब टाए गए। आई होप कि यहाँ पे मतलब नमाज पढ़ने का जगह होगा, बिकॉज ये बीचों बीच में दिया गया भाई, और यहाँ नमाज की पौंदी जानते हुए और नमाज तो पढ़ना भी चाहिए भाई, तो इस तरीके से बनाया गया, काफ़ी अच्छा लुक आया भाई। चले जी मिलते हैं आपको फिर एक प्यारे और एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में जरूर ध्यान रखिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में जरूर याद रखिएगा, बाय बाय।